क्या हो अगर आप एक ब्लॉगर हो और एक अच्छे से फेस्टिवल का दिन हो, इतने टाइम से तुम कोई वीडियो बना भी नहीं रहे हो और सामने से मौका मिले कि तुम एक वीडियो बनाओ और उसी टाइम तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी औकात दिखा दे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जी हाँ, मेरी पूरी वीडियो की ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। दुख तो बहुत हुआ पर कोई नहीं, आदत हो गई है, सह लेंगे थोड़ा। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे गाइज। और आज है भाई दोज, और अब मैं दिखाने जा रही हूँ कि हमारे घर में क्या क्या तैयारी चल रही है। ये हमारे पूजे जाने वाले भाई, और आज इधर किचन में बन रही है मसालेदार भिंडी, और इधर साइड में बन रहा है मटर पनीर जो कि आज राधा बनाएगी। और आज मैंने पहन लिया है ये वाला सूट जो कि थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, और अब मैं रेडी हो जाती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे चौक फोड़ लेती हूँ। उसके लिए मैं पहले यहाँ पे साफ कर लेती हूँ। वैसे तो जो चौक होता है वो गाय का गोबर से लीपने के बाद किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी गोबर नहीं है तो इसलिए मैंने गंगा जल से साफ करके और यहाँ पे अब इसको बनाऊंगी। जब भी घर में स्पेशल पूजा होती है जब इस चौक को बनाया जाता है। और फिर बैकग्राउंड को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं ये लगा देती हूँ जो मैं मार्केट से लेके आई थी। ये अच्छे लग रहे हैं ना। और यहाँ भी मैंने पूजा की थाली तैयार कर दिया है, बट अभी तक हमारे भाई तैयार नहीं हो पाए। तो चलो जब तक जाके कर लेते हैं थोड़ा सा किचन का काम, देखते हैं किचन में क्या है। ओह माय गॉड, ये क्या है? लेकिन यार ऐसे किचन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं घुस सकती। चलो यार अब इस किचन को साफ कर लेते हैं। बताऊँ कैसे? ये कुछ इस तरीके से। तो गाइज मेरा किचन हो चुका है बिल्कुल साफ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज खाने में क्या क्या बना हुआ है? चावल, भिंडी, मटर पनीर जो कि मैंने आपको दिखाई दिया था, और साथ में अभी पूड़ी बनेगी थोड़ी देर में जो हम बाद में बनाएंगे। इसके अलावा पहले हम दूसरा काम कर लेते हैं जो कि है ये। कोई बात नहीं, इसको भी कर ही लेते हैं। कैसे? ऐसे। तो ये काम खत्म हो चुका है, अब हम करेंगे अपने भाई दोज की पूजन की शुरुआत। और आज हमारे राधे भैया भी आए हुए हैं जो कि अब सिर्फ रक्षाबंधन या भैया दोज पर ही आते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को खड़ा करेंगे। और ओके गैज मैं कितना वॉइस ओवर करूँ, कितना बोलूँ, मैं बोल बोल के मेरा मुंह थक गया है। चलो कोई बात नहीं, अब इस भाई दोज की शुरुआत थोड़े गाने के साथ कर लेते हैं। गाइस तो हमारा भाई दोस्त का पूजन तो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आवाज आती तो वीडियो और भी ज्यादा अच्छी लगती, बट कोई बात नहीं। आज मैंने कुछ नया हेयर स्टाइल बनाया जो कि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, और इधर भाई सबको दे रहा था शगुन, वो भी ऑनलाइन। तो सबके मुंह पे धीरे धीरे से मुस्कान आने लगी। और अब था लंच टाइम और मम्मी बना रही थी पूड़ियाँ, तो मैंने सोचा चलो मैं भी मम्मी की हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल ने मुझे फिर से मेरी औकात दिखा दी। माई के दिया था गाली बात बात में। छोड़ो यार, बिना रिकॉर्डिंग के ही पुड़िया बना लेंगे। वैसे भी तुम लोगों को पता तो चल ही चुका है कि मैं भी काम कर लेती हूँ। उसके बाद बैठे हम खाना खाने के लिए, और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, और मुझे लग ही रहा था कि ये अभी अपनी औकात दिखाने ही वाला है। और नजर हटी, दुर्घटना घटी, और ये सब पता नहीं कब हो गया, मटर पनीर के अंदर व्हाइट रसगुल्ला डाल दिया। कोई बात नहीं बच्चा है, शायद गलती से चला। आखिर राजेश ने भी अपनी औकात दिखाई दी। गाइस ये कुछ भी खा सकता है, इसके चैनल पर जाके कमेंट बॉक्स भर दो नए नए चैलेंज देकर कि इसको क्या क्या खाना है। और उसके बाद ही हम आगे थोड़ी देर के लिए छत पर, क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हमारे घर का तो भाई दोज का पूजन हो चुका है, और अभी हमें जाना है कहीं और। पर अभी हमारे घर आ गया था मोहित जो कि यहाँ पे चल रहा था इनका फोटो शूट। इनका तो पता नहीं, सबसे पहले मेरा ही हो गया। और सच बताऊंगा ये वाली फोटो बहुत ज्यादा सुंदर थी, यकीन ना हो तो आप खुद देख लो। और ये फोटो मेरे को इतनी पसंद आई थी कि डिलीट हो गई। चलो कोई बात नहीं। और आज मैंने ये जितने भी हमारे घर में टैडी रखे हुए थे इन सबको वॉश करके डाल दिया, और इस बिल्ले को मैंने सजाए मौत दी है। भाई अब मैं थक गई, अब मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो रहा। अब आप जाके ना मेरा दूसरा व्लॉग देख लेना, वो व्लॉग बहुत ही अच्छा होगा। खैर मैंने इस वाली वीडियो में भी काफी मेहनत की है, तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।